नमस्कार दोस्तों, नेट का एक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम पेपर टू कॉमर्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट जो यूनिट है वो कम्प्लीट कर दी थी, ठीक है। आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली मैं इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ एचआरएम क्या है, देखो बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी। देखो, ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि जो पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है। देखो, काम करने वाले लोग जितने अच्छे होंगे कंपनी में, कंपनी उतने ही अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस उतनी ही होगी। बेसिक पर्पस ऑफ एचआरएम इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक पर्पज़ क्या है एचआरएम का, कि हमने अपने पीपल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे ऐसी प्रोडक्टिव, ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। इट ट्राई टू ब्रिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टूगेदर सो डैट द गोल्स ऑफ ईच आर मीट, ठीक है। मतलब कि पीपल का जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका भी और एक ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों के ही ऑब्जेक्टिव जो है वो फिलफिल हो सके, ठीक है। पीपल क्या चाहते हैं कि मैं अच्छे से अर्न कर पाऊँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे करियर बिल्ड हो। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई मेरे यहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, उसकी वैल्यू, उसकी गुडविल इंक्रीज हो, ठीक है। एचआरएम इज द आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव मैनर। क्या है कि एचआरएम एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्यूर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएं। बेसिकली अगर मैं उसको इसको समराइज करूं तो बेसिकली एचआरएम क्या है, एचआरएम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट। अगर उनकी डेवलपमेंट होगी, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उतना ही डेवलप होगा, उतना ही बेहतर तरीके से प्रॉफिट को अर्न करेंगे। तो इसमें मेन मकसद होता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको सेटिस्फाई करना, उनका भी करियर डेवलप हो और हमें भी फ़ायदा हो, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एचआरएम, कि एचआरएम का स्कोप क्या है। देखो, एचआरएम का स्कोप वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थ्री उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि हम एचआरएम का स्कोप तो वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पर्सनल एस्पेक्ट। अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट की बात करूँ, दिस इज कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, इट्स रिलेटेड टू द पर्सन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो गया, पर्सन से, कि पर्सन को हमने उसके लिए वैकेंसी निकाली, उसको सिलेक्ट किया, उसकी ट्रांसफर, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रमोशन, ये सभी क्या हो गया, पर्सनल एस्पेक्ट्स के ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज वेलफेयर एस्पेक्ट, से क्या होगा, वेलफेयर क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है उसकी भलाई, वेलफेयर कैसे हो सकता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल का वो कर दिया, ठीक है, अच्छा वहाँ पे टाइमली उनको रेस्ट दे देना, कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है, एक लंच रूम उन्हें दे देना, टाइमली उनको एजुकेट करना, ठीक है, ये क्या होता है, वेलफेयर एस्पेक्ट्स, ठीक है। स्कोप ऑफ एचआरएम में सबसे पहले तो पर्सनल एस्पेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हमने उसको रिक्रूटमेंट करनी, उसकी सिलेक्शन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी सब चीज़, ठीक है। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर में क्या, अब उसको वेलफेयर, उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि उसे हमें, हमने उसे लंच रूम दे दिया, एक रेस्ट रूम दे दिया, टाइमली उन्हें रेस्ट दे दिया, ठीक है जी, वहाँ पे एक किस्म से कैंटीन होगी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज़ योर इंडिविजुअल रिलेशन एस्पेक्ट्स। इंडिविजुअल रिलेशन क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, तो आप कैसे उस कन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट करोगे, कैसे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, उनको कैसे सेटल करोगे आप, ठीक है। आपकी जब कलेक्टिव बार्गेनिंग है तो आप समझो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है कि हो सकता है सारे एक किस्म से धरने पर बैठ जाएं, इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए, तो ये स्कोप ऑफ एचआरएम को थ्री उसमें डिवाइड कर दिया। एचआरएम के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है एचआरएम इज कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयज बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप इन अटेनिंग गोल्स। क्या एचआरएम के अंदर हम देखते हैं कि एक ह्यूमन का इंडिविजुअली बेसिस और वो ग्रुप के बेसिस पे उसको कैसे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में हेल्प कर रहा है उसको अचीव करने में। सेकेंड, इट इज़ कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेट इज नॉलेज स्किल कैपेबिलिटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की डेवलप करेंगे, तो डेवलपमेंट उसकी कैसे हो सकती है, उसको और बेहतर तरीके से उसे नॉलेज देना, उसकी स्किल में इंप्रूवमेंट करना, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जितना पर्सन सक्षम होगा ना, उतना ही हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ठीक है, HRM कवर ऑल लेवल्स, चाहे वो लो लेवल है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे टॉप लेवल पे, HRM हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है, हर एक कैटेगरी को, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे अनस्किल्ड है, उसको क्या करते हैं, उसको टाइमली उस कैटेगरी में उसको HRM और एक लेवल को डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। इट कवर बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज, जैसे कोई एम्प्लॉयज़ है उसको पूरा प्रोफेशनली वे में पता है कैसे काम करता है एज अ प्रोफेशनलिज्म। कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है ना, वो अभी बेचारे नहीं है, हो सकते हैं फ्रेशर, उन्हें कभी जॉब नहीं, तो हम दोनों को ही लेकर चलेंगे, हमने दोनों को ही कवर करना है, जो ऑर्गेनाइज्ड है वो और अच्छे से हो सके और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आ सके। ठीक है, HRM इज अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखो HRM क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो कभी भी HRM हम कभी नहीं चाहते कि हमारा एम्प्लॉई यहाँ पे आके रुक जाए। ठीक है, हम चाहते कि हमारे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दे, उसकी स्किल में और इम्प्रूवमेंट करे, ताकि वो क्या कर सके और उसकी उसके करियर जैसे डेवलप होगा तो उसका फ़ायदा हमें भी होगा। तो एक क्या है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि टाइमली क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, तो इसलिए हम उनके टाइमली उनकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट एम्स एट अटेनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, हमें क्या है, सबको मिलजुल कर जुड़कर हम जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इट कंसर्न मोस्टली विद मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट वर्क। इसका मेन मकसद क्या है, मेन ये है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी इंप्लॉयज है, जो भी पर्सन है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको मैनेज करना है, उनको कैसे हम टाइमली उनको मैनेज करें, अगर वो डिसेटिस्फाई है तो उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें, वो डीमोटिवेटेड है तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये वाट चीज़ क्या है, फीचर्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है, तो दोस्तों आज ये HRM की पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, ताकि आप गो थ्रू हो जाओ कि HRM आखिर है क्या। ठीक है, अगले आगे इसकी कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, किस तरह से HR मैनेजर का क्या क्या रोल्स है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का मेरा मेन मकसद इस वीडियो का ही था कि आप HRM के बारे में समझ सके कि HRM क्या है और HRM है क्या। HRM बेसिकली अगर मैं समराइज एक छोटी फॉर्म में बताऊं, HRM है कि जो इंप्लॉय जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको टाइमली मोटिवेट करते रहना, उनके करियर में डेवलपमेंट करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से बेहतर वे से अचीव कर सकें। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते, कोई फीडबैक देना चाहते आपको लगता है, देखो जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।